Hi everyone, hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina Vadecha and once again I am back with a new recipe. तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सांबर वड़ा. आज हम बना रहे हैं सांबर वड़ा जिसको मैं बना रही हूँ अमूल की ऑर्गेनिक जो दाल है इससे बना रही हूँ मैं. और ये बिल्कुल केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स से बनती है और पेस्टिसाइड्स फ्री है और अनपॉलिश दाल है. तो ऑर्गेनिकली ग्रोन है ये अमूल की दालें. तो आज हम इससे बनाएंगे सांबर और वड़ा. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है अमूल की ऑर्गेनिक तुअर दाल. इसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगाने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसको एक कप में 3 कप पानी डालकर नमक और हल्दी डालकर और साथ में 2 टमाटर डालकर मैंने इसको बॉईल करके रख लिया है. और ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी जब आप बॉईल करेंगे. 3 मिसल के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके बाद जब आप खोलेंगे तो आपको इस कंसिस्टेंसी की दाल मिलेगी. तो ये मैंने सांबर के लिए बेस रेडी कर लिया है. ये दाल है, ये है अमूल की तुअर दाल. तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सांबर को बनाना. एक पैन में मैं ले लेती हूँ ऑयल. पैन की तरफ कर देती हूँ तो इसमें मैं ले लूंगी 1 चम्मच ऑयल. इसमें ऐड करेंगे हम हींग, जीरा, राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च. ये साबुत लाल मिर्च मैंने ली है और इसको टुकड़ों में काट लिया है. और साथ में मैंने लिया है करी लीव्स, ये है मस्टर्ड सीड्स, ये है हींग, ये है जीरा. तो सबसे पहले हम डालेंगे राई. फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी मैं. और हेलो एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आज हम बना रहे हैं सांबर वड़ा जिसको मैं बना रही हूँ अमूल की ऑर्गेनिक तुअर दाल से. तो यहाँ मैंने राई डाल दी है और ये राई क्रैकल हो रही है. अब ऐड करूंगी मैं इसमें हींग, जीरा, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च. इसको भी हम डाल देंगे और इसको मैं मिक्स कर लूंगी. जब जीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा और कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा का तड़का आ जाएगा अच्छे से, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये आधा कटा हुआ प्याज. अगर आपके पास स्मॉल शैलेट्स हो या जो सांबर अनियन आते हैं वो हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पर हाफ चॉप्ड अनियन लिया है. हेलो रमेश कुमार जी. और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पम्पकिन. ये मेरे पास येलो पम्पकिन है, इसको मैं इसमें सॉटे कर लूंगी. दाल तो हमने ऑलरेडी बना बॉईल कर रखी है तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका तड़का. और जो सांबर बनाने के लिए जो हम बेस बना रहे हैं वो बना रही हूँ मैं. तो बेस जो ये है ये मैंने तुअर दाल से बना लिया है ऑलरेडी. और अब हमने ऑयल डाला, राई डाली, जीरा डाला, हींग डाला, करी पत्ता डाला, लाल मिर्च जो साबुत लाल मिर्च होता है उसको तोड़ के डाला और साथ में मैंने डाला चॉप्ड अनियन और पम्पकिन, येलो पम्पकिन थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे. वन स्पून और फ्यू पीसेस. हमें बहुत ज्यादा इसके अलावा आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं. ड्रम स्टिक्स हो गई वो भी ऐड कर सकते हैं. लौकी होती है उसको भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं. बट इट्स अप टू यू. आपके पास जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप वो सांबर में थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं. ब्रिंजल थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं. वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा सा ही हमें इसमें डालना होता है वेजिटेबल्स को. तो यहाँ ये हो गया और साथ में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट. अब मैं ऐड करूंगी इसमें
सांबर पाउडर। तो ये रेडीमेड सांबर पाउडर है, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब सांबर पाउडर डालूंगी, 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें सांबर पाउडर डाला है। और एक बार इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। तब तक ये, जब तक ये बॉईल होगा और ये थोड़ी वेजिटेबल्स लाइक जो पम्पकिन है वो थोड़ा टेंडर हो जाए, तो इसको हम एक बॉईल आने के लिए वेट करेंगे। लेट्स वेट, जब तक एक बॉईल आता है तब तक देख लेते हैं किस किस ने ज्वाइन किया है। ओके, हाय एवरीवन, हेलो सविता जी, हेलो रमेश जी, आज हम बना रहे सांबर वड़ा। सांबर वड़ा बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अमूल की ऑर्गेनिक तूर दाल, जो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स है और सर्टिफाइड एज पर इंडियन ऑर्गेनिक NPOP स्टैंडर्ड्स ये दाल है, और फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स है, प्योर एंड नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड फैसिलिटी, ग्रोन विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स। सो आज हम बना रहे अमूल की ऑर्गेनिक तुअर दाल से सांबर। बहुत ही जल्दी गल गई ये, मैंने जब बॉईल करी बहुत अच्छी मशी कंसिस्टेंसी की हो गई। ये अनपॉलिश दाल है। हेलो शिफाली जी, आज रमेश जी मैं इडली सांबर नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सांबर और बड़ा। तो वड़ा के लिए मैंने ये माँ की धुली दाल है, इसको 3-4 घंटे के लिए पहले सोक कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। सोक कर आप अच्छे से वॉश करिए, सोक करिए 3-4 आवर्स के लिए, उसके बाद इसको अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लीजिए। तो आपके पास एक वड़ा बनाने का बेस रेडी हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ जब तक सांभर बॉइल हो रहा है। तो ये इस तरीके से मैंने वड़ा की जो दाल है वो पीस कर रखी है। तो ये जो सांबर है ये हमारा, अब जो सांबर का जो ये हमने ये बेस बनाया था, ये तड़का और पानी डालकर वेजिटेबल्स के साथ जो ये मैंने बनाया, इसी में मैं ऐड कर दूंगी दाल। तो आपको जितना सांबर बनाना है उस हिसाब से, अब मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून ये जो दाल है उसका मैश ले रही हूँ। और ये जो हमारा सांबर है ये बन जाएगा इसी से। कंसिस्टेंसी वाटर डालकर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा मैंने और पानी डाल दिया इसमें, और एक इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे। और इसको हम कम से कम भी 1/2 आवर मतलब बॉईल आने के बाद लो फ्लेम पर इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे सांबर को, क्योंकि जब सांबर जितना कड़ता है ना उतना अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और जब ये कड़ जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी टैमरिंड जूस, टैमरिंड का पानी, इमली का पानी, और साथ में मैं डालूंगी शक्कर। ये मेरे पास शक्कर है, इसको मैं डालूंगी और इससे हम इसमें स्वीटनेस और टैंगीनेस एडजस्ट करेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी सांबर घर पर तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये हमारा जो सांबर है ये रेडी हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं, जब तक ये सांबर बॉईल हो रहा है मैं स्टार्ट करती हूँ वड़ा का जो बैटर है उसको बनाना। तो आई जस्ट फ्लिप माय कैमरा हियर। ओके, सो हाय एवरीवन। ओके, तो अब हम बनाएंगे ये जो हमने वड़ा बनाया उसके लिए मैंने ये दाल को भिगा लिया था और पीस लिया था। ये मैंने माँ की धुली दाल ली है और इसको मैंने 3-4 घंटे तक सोक कर इसको अच्छे से पीस लिया और पीसा है। आप देखेंगे ये एकदम स्मूथ हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी, जब तक ये सांबर बॉईल हो रहा है मैं इसको सिमर कर देती हूँ। अभी जो वड़ा बनाना है इसमें मैं ऐड करूंगी, क्या क्या ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बेसन। आप चना दाल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें,
लेकिन मैं आज बेसन का यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम घर में जो ग्राइंडर से ग्राइंड करते हैं उसमें हमारा जो दाल है वो इतना सूखा नहीं पिसता है, क्योंकि हमारे पास स्टोन ग्राइंडर नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ थोड़ा सा, 2 चम्मच, और साथ में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया 2 चम्मच, साथ में ऐड करेंगे इसमें जीरा और पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च और जीरा साबुत, साथ में मैं इसमें डालूंगी हींग और ग्रीन चिली और जिंजर, ये चॉप ग्रीन चिली और जिंजर डाल रही हूं मैं ग्रेटेड। और इसमें डालेंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट, अब यहां पर सॉल्ट डाल दिया मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, देखेंगे ये जो बड़ा है इसका जो दाल है इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है, बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जैसे जो बेसन है वो अच्छे से इसमें मिल जाए और ये बहुत लाइट और एयरी हो जाए। तो ये मैंने ऑलरेडी पीस कर भी मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, जो दाल को जब मैं पीसती हूँ ना तो मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये जो हमारा बड़े का बैटर है ये भी रेडी हो गया है, मैं थोड़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बाय द टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं सांबर को दूसरे स्टोव पर रखा हूं और मैं यहाँ पर बड़े बनाने के लिए ऑयल रख देती हूँ गरम करने, बिकॉज सांबर को अभी बॉईल होने में टाइम लगेगा, तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से और मैं अंदर किचन में इसको रख के आती हूँ। बाय द टाइम जब बड़े बन जाएंगे तो मैं इसको ले आऊंगी। तो जो सांबर है उसको मैंने दूसरे स्टोव पर रख दिया है और यहाँ पर मैं रख देती हूँ ऑयल को गर्म करने जिसमें हम बनाएंगे वड़े। तो ये मैंने स्टोव पर ऑयल रख दिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। बाय द टाइम ऑयल गर्म हो रहा है फिर हम दिखाएंगे कि कैसे वड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने जो दाल है इसके अंदर जिंजर, ग्रीन चिली, जीरा, काली मिर्च, हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया और साथ में 2 चम्मच बेसन डाला है और साथ में डाला है सॉल्ट टू टेस्ट और ये हमने एक जो वड़े का बैटर है ये रेडी कर लिया है। इसको अच्छे से मैं फेंट लूंगी और क्लीन हैंड से आपको ये सारा काम करना है, बिकॉज हैंड्स के हमें यूज करते हैं, हम हैंड्स यूज करते हैं इसको बनाने में, तो अच्छे से क्लीन करके वॉश करके हमें इसको बनाना है। तो अब यहाँ पर ऑयल गरम हो रहा है, हम उसका वेट करेंगे ऑयल अच्छे से गरम हो जाए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जो हमारा वड़ा का बैटर है ये भी रेडी हो गया है। आई जस्ट क्लीन माय हैंड्स एंड कम। बाय द टाइम ऑयल गरम हो रहा है जिसमें हमको बड़े फ्राई करने हैं, तो हम वेट करेंगे ऑयल गरम होने का।
प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है जिसके अंदर हम ऑयल फ्राई ऑयल में से जब वड़े निकालेंगे तो हम इसमें रखेंगे, तो इसको भी मैंने रख दिया है। ऑयल अभी गर्म हो रहा है, विल वेट। ओके, तो आप उनको बोलिए ये शो देखिए, वो सब वो सीख जाएंगे कैसे बनाते हैं। सलमान जी अब हम बनाएंगे वड़ा, तो ये ऑयल का मैं वेट कर रही हूँ कि गरम हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है ऑयल को गरम होने में, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ बनाना नहीं आता। अमूल के फेसबुक पेज पर रोज डेली यहाँ पर ये एक इंडिया का सबसे बड़ा लाइव रेसिपी शो है। आप लोग इसमें रेसिपीज देख सकते हैं, यहाँ सिंपल होममेड रेसिपीज हम लोग लाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर सीख सकते हैं। आपको कोई भी न्यू रेसिपीज सीखनी है आप इस पर आइए। और इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड शेफ्स आते हैं, होम शेफ्स आते हैं यहाँ पर सिखाने के लिए। तो आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। जिन जिनको भी सीखना है वो आ यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। और सबकी लाइक वैरायटी ऑफ रेसिपीज होती है यहाँ पे, हर रीजन से होती हैं, तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं ऑयल गर्म होने का वेट कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। सांभर बॉईल हो रहा है, सांभर को भी 15 मिनट तक हमने बॉईल करना है। और 5 मिनट हमें रुकना पड़ेगा, 2-3 मिनट तो फाइनली रुकना पड़ेगा कि हम वड़े को बना सके। तो अगर आपको घर में सिंपली वड़ा बनाना है तो आप सिंपल ड्रॉप करके भी बना सकते हैं वड़े को, लाइक पकौड़ी के शेप में, और वड़े को जैसे वड़ा बनाते हैं वैसा भी बना सकते हैं। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं। तो आई जस्ट शो यू, ऑयल गर्म हो गया, यहाँ पर ये ऑयल गर्म हो रहा है और मैं थोड़ा सा हाथों को, मैंने फिंगर टिप्स को गीला कर लिया है और थोड़ा अपने पाम पर मैंने पानी लगा लिया इस तरीके से, और वहां पर अपने गीले पाम पे मैं एक ड्रॉप ऑफ दाल डालूंगी और फिंगर को फिर से वेट करके मैं एक बड़े का शेप दे दूंगी। और आप देखेंगे ये मैंने इस तरीके से उठाया और डाला। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से बनेगा। इस तरीके से मैंने हाथ को गीला किया और फिर गीले हाथ से ही मैंने इसको ऐसे करा और फिंगर्स में उठा के मैं इसको डाल ड्रॉप कर दिया। और अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लगता है तो आप एक स्मॉल स्मॉल इस तरीके से राउंड बॉल्स टाइप गिरा के भी बना सकते हैं, टेस्ट उतना ही अमेजिंग आता है। आप घर में बना रहे हैं तो सिंपल रखिए, तो ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके जो बड़े हैं उस दाल से आप पकौड़ियां बना लीजिए
जब आप खाएंगे उसको टेस्ट तो उसमें वड़े का ही आने वाला है। तो इस तरीके से दोनों मेथड्स मैंने आपको दिखा दिए, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जब तक इसके बबल्स ना चले जाए और ये अच्छे से अंदर से कुक ना हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है। हाय सोनू जी, ओके। तो यहाँ मैंने छोटा पैन लिया है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे भी। आप देखेंगे ये थोड़ा एक दूसरे से स्टिक हो गया। मैं एक और बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से भी आप सिंपली बना सकते हैं और इसको गोल्डन होने तक ट्राई करेंगे हम। ट्राई हो रहा है, गोल्डन होने तक हम वेट करेंगे। एक बार मैं और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बनाया वो। तो अगर आपको उसी टाइम कंज्यूम नहीं करना ना इसको, तो आप ऐसे थोड़ा सा व्हाइट शेड में भी निकाल के रख सकते हो, और जिस टाइम आपको सर्व करना है आप दोबारा से ऑयल को रीहीट करिए और इसको गोल्डन कलर देकर बना सकते हैं। तो अब मैंने हैंड पर देखिए, मैंने हैंड पर पानी लगाया थोड़ा सा और मैंने एक ड्रॉप ऑफ ये जो दाल का बैटर है ये लिया, और अब वेट फिंगर से मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट बना दूंगी इस तरीके से। थोड़ा सा पानी डाल दिया और इस फिंगर से निकाल के मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी। बड़े का शेप आ गया इसमें। यहाँ पर ये जो सांभर है ये भी बॉईल हो गया है, तो मैं दिखा देती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे टैमरिंड का पानी और साथ में डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा शक्कर। तो अब ये भी गोल्डन हो रहा है, जस्ट चेक। यहाँ पर ये हमारे बड़े रेडी हो गए हैं और इनको मैं दोबारा डाल दूंगी गोल्डन होने के लिए। इस तरीके से ये जो बड़े हैं हमारे घर पर हम बना रहे हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अमूल की ऑर्गेनिक दाल। आज मैंने यूज करी है अमूल की ऑर्गेनिक तुअर दाल। इसको अरहर की दाल भी कहा जाता है। इसको थोड़ा गोल्डन होने तक हम दोबारा से सेक लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे।
आधा निकाल लेने से क्या होता है, वो स्टीम में अपने आप अंदर से कुक हो जाता है और वो अंदर से जो दाल है वो गीला नहीं रहता, जो वड़ा है वो प्रॉपरली कुक हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जब हाफ हो जाता है और उसको मैं निकाल लेती हूँ, हाफ वड़ा फ्राई हो जाता है तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देती हूँ, वो स्टीम में पकता है, उसके बाद दोबारा से उसको रीफ्राई कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छा क्रिस्प भी हो जाता है और साथ में अंदर से अच्छे से पक जाता है। तो आप देखेंगे ये अच्छे से गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है इस पर, और ये वाला भी हम डाल देंगे दोबारा से, जो एक रह गया था बड़ा उसको भी मैं फ्राई कर लूंगी और एक अच्छा गोल्डन अच्छा कलर आने तक हम इसको फ्राई होने देंगे। जब तक ये अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है तब तक हम वेट करेंगे इसका। आप देखेंगे बहुत अच्छा इसमें गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो रहा है। ये जो बड़े हैं ये हमारे हो गए हैं गोल्डन और इसको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट पे, और ये जो हमने इजी बड़े बनाए थे वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो जो बड़ा है इसको मैं रखूंगी साइड और ऑयल को भी मैं कर दूंगी साइड बिकॉज हमारे बड़े फ्राई हो गए हैं, इसको भी मैं उठा लूंगी ऑयल को। और अब मैं यहाँ पर रख दूंगी जो सांभर का पैन है इसको रख देंगे। अब सांभर की कंसिस्टेंसी को करेंगे एडजस्ट। अब ये बॉईल हो गया आप देखेंगे और इसको हम देख लेंगे, थोड़ा थिक है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा पानी। और तो जो सांभर की कंसिस्टेंसी है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी टैमरिंड वाटर। ये इमली का पानी मैंने निकाल कर रख लिया था, इमली को भी मैंने पहले गर्म पानी में भिगो लिया, उसको अच्छे से मैश करके स्ट्रेनर की हेल्प से इसमें टैमरिंड वाटर का बना लिया। और अब थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस ऐड करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी ये गुड़ का पाउडर, शक्कर इसको ऐड करूंगी। और इस टाइम पर आप सॉल्ट, टैमरिंड जो जूस है उससे टैंगीनेस और शक्कर से स्वीटनेस बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंगली। जो सांभर का टेस्ट होता है स्वीट्स और टैंगी हल्का, वो हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ स्पून की हेल्प से मैं इसको टेस्ट कर लूंगी। थोड़ा सा नमक कम है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, टैमरिंड जो मैंने थोड़ा सा बचाया था वो भी मैं डाल दूंगी। तो आप ऐसे इसको टेस्ट करके जो उसका टेस्ट है वो एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। जस्ट टेस्ट अगेन, बहुत ही डिलिशियस हमारा सांभर रेडी हुआ है। और एक अच्छा बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें हरा धनिया।
तो उसको मैं सर्व कर दूंगी एक बोल में सांभर को। और ये हमारा जो सांभर है ये रेडी हो गया है, और ये मैंने प्लेट भी लगा ली है, रेडी कर ली है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। यस, तो ये हमने सांभर और जो वड़ा है ये प्लेट में रख लिया है, आप देखेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। डू ट्राई और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा पेज इज हिना वलेचा, HENAVALECHA। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप देखेंगे ये हमने बहुत ही डिलिशियस सांबर और वड़ा बनाया है अमूल की ऑर्गेनिक दाल से, तो जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं। जिसने जिस जो जो भी लोग ट्राई करेंगे वो मुझे फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी के साथ बना रहे हैं तो आप लोग जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो बाय एवरीवन, टेक केयर।